Marcy! ये बैग लेके चुपके इधर बैठी हुई है और यहाँ से हमें पाकिस्तानी जूस भी मिल गए हैं। Morning and a very happy Sunday to all of you. I hope you all are doing good and we are also fine. So yes, we are back with another vlog. And yes, these are the scenes. Neha अभी अभी नीचे आई है और अभी हम बनाने लगे नाश्ता और उसके बाद जो है अपना day continue करेंगे हम। So guys, we are done with the breakfast और अभी हम लोगों ने जाना है shopping के लिए और बारिश जो है ना बहुत तेज start हो गई है बाहर। बच्चों ने हर चीज़ इतनी ज़्यादा बिखेर के रखी हुई है कि किसी कोई हद नहीं है और अब मैं ये सारा कुछ पहले समेटूंगी और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे। सफाई हो गई है हम लोगों की सारी और अब मैं बच्चों के कपड़े चेंज करूंगी और फिर हम लोग जाएंगे। और अभी थोड़ी देर पहले तक इतनी तेज़ बारिश हो रही थी और अभी जो है ना बाहर धूप निकल आई है। सो यहाँ का वेदर जो है ना वो कुछ इसी तरह का होता है कि एक मोमेंट में जो है वो बादल और बारिश होते हैं और नेक्स्ट मोमेंट में आपके पास जो है ना वो धूप निकली भी होती है। वी आर गोइंग नाउ और लेट्स सी क्या होता है। अंजश क्यों जा रहे हो? शॉपिंग। ओके एंड व्हाट्स अप मनीहा? आपने आज बोला नहीं व्हिच डे इज टुडे? हैप्पी मंडे। इट्स नॉट मंडे, इट्स संडे। संडे सो तो आज मेरी छुट्टी। हाँ ओके और जब स्कूल में एक दिन मेरी पार्टी होएगी ना स्कूल में तो मैं इस फ्रॉक को पहन के जाऊंगी। हम कोई और पहन लेंगे ना? नहीं मुझे इस फ्रॉक को पहन, बाकी बच्चे तो कोई और चीज ले पहन के जाएंगे लेकिन ना मुझे कोई प्रिंसेस टाइप सा हो और कोई छुपने वाली ड्रेस पहना दे। ठीक है, वो जो हमारे पास एक प्रिंसेस वाला फ्रॉक है हम वही ना पहन ले? नहीं ये वाला पहनना है। ठीक है ओके। इस पे फ्लावर्स बने हैं, मुझे फ्लावर्स बहुत पसंद है। ओके फाइन। और अभी जो है ना हमारे पास धूप में बारिश हो रही है और बड़ा ही गुफिट मौसम है और बाहर गोरों ने सही माहौल बनाया हुआ है। अभी मैं कोई आप लोगों को माहौल चेक करा देती हूँ, ये चेक हो गया होगा। सो वी आर एट द मार्केट क्रॉस और यहाँ पे ना अंदर हमारे पास बहुत सारी शॉप्स वगैरह होती हैं और हम लोग यहाँ पे बहुत कम ही आते हैं, इतना ज़्यादा नहीं आते हम लोग यहाँ पे। मनीहा को ना ये हॉर्स बहुत पसंद है और हम लोग जब भी यहाँ आते हैं सबसे पहले ये इस पे आके बैठती है और उसके बाद ही हम लोग कोई काम कर सकते हैं। और यहाँ पे आके पेमेंट करने लगे थे और मैं अंजश को बोल रही थी कि आपा को पकड़ के बैठे हॉर्स ही स्टार्ट होने वाला है और ये पोर्शन मुझे म्यूट करना पड़ा वीडियो का और इस पर वॉइस ओवर करना पड़ा क्योंकि पीछे डेस्क पे सीटो चल रहा था और उसकी वजह से कॉपीराइट क्लेम आ रहा था। और जैसे ही राइड स्टार्ट हुई अंजश इतनी ज़्यादा डर गई थी, खैर थोड़ी देर बाद जो है रिलैक्स हो गई थी और एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया था इसने भी। वी आर डन विद द राइड और अब हम लोग जा रहे हैं स्पोर्ट्स डायरेक्ट और ये चेक करें अम्ब्रेलास। थोड़े दिन पहले जब हम लोग यहाँ पे आए थे तो ये नहीं लगी हुई थी, ये इन लोगों ने अभी लगाई हैं और इतनी अच्छी लग रही हैं ये और इतनी अच्छी वाइब्स आ रही हैं।
सो गाइज वी आर एट द स्पोर्ट्स डायरेक्ट और मैंने ले लिया आज बच्चों के शूज़ सो इसलिए हम यहाँ पे आए हैं और यस नेहा और अंजुश जो है वो आके साथ पहले ही अपने लिए शूज़ पसंद कर रही हैं। यार यहाँ पे मैंने एक पोमा के देखे थे मुझे अच्छे लग रहे थे ये वाले भी वाले भी अच्छे नहीं है नहीं करें पीछे हो जाए मामा को ये पसंद आया बिकॉज आई लाइक इट वो पिंक वाला मुझे नहीं पसंद था ये मुझे पसंद था इसमें हम थोड़ा सा बड़ा साइज ले लेते ना दिस इज गुड जब हम लास्ट टाइम यहाँ पे आए ना तो अंजू शाम पे गुम गई थी पता नहीं किस कोने में घुस गई थी खुद ही और अभी भी ये खुद ही लगी रहती है इसको कोई होश नहीं होती हमारी। हाँ जी सो वी आर गोइंग टू गेट दीज शूज़ फॉर मनीहा। मनीहा आपको पसंद आए ले लें ये वाले ओके ईजी है ओके नेहा के जो है ना वो हम लोगों ने ले ली हैं और अंजिश के पास ऑलरेडी वाइट हैं एडिडास के तो आई एम कन्फ्यूज कि अब मैं इसके कौन सा कलर लूँ क्योंकि मुझे ब्लैक में और वो कोई इतने मज़े के नहीं लग रहे और पिंक मैंने वैसे भी नहीं लेने तो मैं सोच रही हूँ कि अंजिश के ना ही लूँ। एक मुझे ब्लू पसंद तो आया लेकिन वो भी कोई इतना मज़े का नहीं है और मैं नेहा का मैंने जो है ना पोमा का ले लिया वो ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा था सो ऐसे करते हैं अंजिश के भी छोड़ देते हैं और अंजिश के मैं जो है ना वो पाकिस्तान जाने से पहले ले लूँगी लाइक 2-3 महीनों के बाद बिकॉज वी हैव जस्ट बुक्ड द टिकट्स फॉर पाकिस्तान लास्ट नाइट तो अब पाकिस्तान जाने में भी हम लोग का थोड़ा सा ही टाइम रह गया सो यस अब हम कह रहे हैं आके भी शॉपिंग शर्ट्स और ट्राउजर्स वगैरह लेने हैं हम लोगों ने आज इन लोगों की शॉपिंग होनी थी बच्चों की और आकिब की। ये इनकी हरकतें चेक करें ये कोई बैठने की जगह है अब और इतना मुश्किल हो जाता है ना बच्चों के साथ शॉपिंग करना हम लोग जब भी जाते हैं एक बंदा इनको देखता है दूसरा फिर जो है वो शॉपिंग करता है अंजिश को ना यहाँ से हर चीज़ ही चाहिए थी और ये हर चीज़ में पंगे लेती है अंजिश सही मुसीबत में पड़ी हुई है अंजिश रख दें क्यों आपने क्या करना है इसको इसको एक कोई टाई लग रहा है शायद ये बैग लेके छुप के इधर बैठी हुई है शुक्र है कि मैंने इसको देख लिया नहीं तो मैं इसको ढूंढती ही रहती और ये मुझे मिलती भी ना अंजिश कम आउट अंजिश कम आउट वी आर एट द बूट्स फार्मेसी और जो है ना ये कुछ यहाँ के सीन्स हैं मैंने सनस्क्रीन देखना था लेकिन मुझे कोई पसंद नहीं आ रहा यहाँ पर इनफैक्ट मुझे इतना आइडिया नहीं है कि इनमें से कौन सा सही है और कौन सा नहीं सो आई वॉज एट द प्राइमार्क और मैंने मनीहा की और अंजिश की पेंट ली और मनीहा की कुछ शर्ट्स वगैरह लिए और टाइम शॉर्ट था तो मैं जो है ना वो वीडियो नहीं बना सकी सो येस दीज आर द सीन्स और अब हम लोग जा रहे हैं वापस अंजिश यहाँ पे थक गई थी और इसने रास्ते में हर जगह में बैठना शुरू कर दिया था और अगेन मुझे यहाँ पे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि पीछे शॉप्स में म्यूज़िक चल रहा था और उसकी वजह से कॉपीराइट क्लेम आ जाता है
खैर आके पर में नेहा जो है वो हमें छोड़ के चले गए थे क्योंकि हमसे चल ही नहीं रही थी और हम लोग पीछे रह गए थे। वी ऑल्सो हैव हलाल शॉप इन मार्केट क्रॉस और आके पर में नेहा हलाल शॉप चले गए थे और मैं और अंतरिक्ष दोनों ढूंढ रहे थे कि हलाल शॉप किधर है। सो वी आर एट द किलकेनी हलाल फूड नाउ और यहाँ से हमें स्लांटी भी मिल गई। लॉलीपॉप तो आप ऑलरेडी खा चुकी थी और यहाँ से हमें पाकिस्तानी जूस भी मिल गया। इधर जो है ना अब हम लोग पार्किंग के पे करेंगे। हो गया दिस इज रिवर नूर और यहाँ पे जो है ना मैंने मनीहा का शूट किया था एक उस टाइम ये फूल छूल नहीं लगे हुए थे और अब तो उन्होंने इसको बहुत प्यारा डेकोरेट कर दिया। इसके साथ साथ जो है ना वो वॉकिंग ट्रैक बना हुआ है आई थिंक 6 किलोमीटर्स का आके 6 किलोमीटर्स लॉन्ग और ये सीन है। अंदर चल चल के इतनी ज़्यादा थक गई थी कि आते साथ ही सो गई है और मैं नेहा को भी अब नींद आ रही है तो उसको मैं फीडर देने लगी हूँ और फिर ये भी सो जाएगी है ना। वॉन्ट टू स्लीप ओके ये कुछ सीन्स हैं अभी हमारे। मैं इन लोगों के लिए फ्राइज़ बना रही हूँ और ये सो के उठ के ये गंदे काम कर रही है। पता नहीं यार ये सिर्फ मेरे बच्चे ही ऐसे हैं सबके बच्चे ऐसे होते हैं और आज इन लोगों ने हमें कोई इतना ज़्यादा तंग किया है कि मैं बता नहीं सकती। अंजिश क्या कह रहे हो उल्टे काम हाँ नीचे क्यों फेंकी इस लांटी आपने बाल पीछे करो दोनों हाथों से नीचे से उठा के नहीं खाते वेरी बैड बाल पीछे करो दोनों हाथों से ऐसे चलो आज ड्रेस चेंज करा दूँ आपको इसमें गर्मी लग रही होगी। हम लोग बाहर गए तो सुबह इतनी तेज़ बारिश हो रही थी और मौसम जो है वो हवा भी चल रही थी तो काफ़ी ठंडा हुआ हुआ था तो मैंने इसको थोड़ा सा मोटा ड्रेस पहना दिया और अब जो है वो मैं कह रही हूँ कि इसको पतले कपड़े पहना दूँ एक तो इनको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है ना। अंदर छोड़ दें नहीं हाँ जो है वो अभी तक सो रही है और आपके जो है ना वो हमें घर छोड़ के अपने फ्रेंड के पास चले गए और अभी तक हमारे पास इतनी ज़्यादा रोशनी है जबकि यहाँ पे अभी 9 बज गए हैं रात के। वी आर डन विद द डिनर और आके पर बच्चे जो हैं वो ऊपर चले गए और आज जो है ना ये लोग जल्दी ऊपर चले गए और ये सब ये लोग ऊपर अपने ड्राइंग रूम में खेल रहे हैं और नीचे से ना आज हम लोगों ने काम जल्दी वाइंड अप कर दिया। सो ये सब मैं मियाँ का फीडर लेके जाऊंगी ऊपर और फिर देखते हैं कि ये लोग सोते हैं खेलते हैं क्या कर रहे हैं। ये लोग अपने टॉयज में जो है वो अब बैठ के खेल रहे हैं। देखो मैंने कितना बड़ा टॉय बनाया पापा। यस देखो मेरा टॉय कितना बड़ा बना है। देखिए अंदर सही हो ना चिता और लड़ाई नहीं लड़ाई नहीं क्या कह रही स्टार डॉक्टर बहुत टूट गया कोई बात नहीं। अंजिश आपने ग्लासेस उल्टे पहने हुए सीधे करें डॉक्टर जी अपनी ग्लासेस सीधी कर दे क्या कह रही है आप नहीं हेल्प करें मनीहा उसकी उसको खुद ही करने दे सो कह रही आ करो क्या हुआ टेम्परेचर हो रहा है इसको इंजेक्शन इंजेक्शन
इसको इंजेक्शन लगा दे। इतने दिनों से कपड़े पड़े हुए थे फोल्ड करने के लिए, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। और बच्चों वाली माएँ बेचारी भी क्या करें, एक काम करो तो दूसरा आगे करने वाला हुआ हुआ होता है। अभी आकिब इनके पास बैठे हुए थे तो मैंने सोचा मैं जल्दी जल्दी कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ, क्योंकि जब मैं अकेली घर होती हूँ तो मैं इनको बिल्कुल भी अनअटेंडेड नहीं छोड़ती। आपको कुछ पता नहीं होता किस टाइम ये लोग क्या करते हैं, सो हमेशा जो है ना इनको अपनी आँखों के सामने ही रखना पड़ता है। और काश माँ की ज़िंदगी में कोई प्ले बटन आ जाए जिससे ऐसे जल्दी जल्दी काम हो जाए जैसे नज़र आ रहा है। नानी करके आपको कैसा फील हो रहा है? क्यों? क्योंकि मुझे फ्रेश होने की जरूरत थी आपको। तो आप फ्रेश हो गई हो, लेकिन आपके बाल सारे आगे आ रहे हैं, आपका फेस नहीं हमें नजर आ रहा। यस, बाल सूखे हैं कि नहीं? सूखे। अब हमें सो जाना चाहिए ना? प्लीज, मुझे बहुत सख्त नींद आ रही है। तो टॉयज रूम में ही ना, बाल तो पीछे कर दो, नजर ही नहीं आ रही मुझे। आपने यार मुझे पाँव भी नहीं दबा के दिए। तो आपको पता है जब मैं अटक में थी ना, तो एक दिन मस्कीटो ने टांग पे मेरी आंख पे बाइट कर लिया था। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद मेरी आंख और मेरी टांग ठीक हो गई। सो गाइस, कपड़े फोल्ड करने के बाद मैंने मनीहा को शॉवर दिलाया और अब मैं बच्चे सुला के फारिग हुई हूँ। और यस, इट वॉज़ अ लॉन्ग टायरिंग डे, आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और यस, अब हम आज का ब्लॉग यहाँ पे एंड करेंगे। सो सी यू गाइस टुमारो विद अनदर ब्लॉग, एंड यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।